एनटेक में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक लैपटॉप रिसीव हुआ है जो कि एचपी का है, आप देख सकते हैं। इस लैपटॉप में दिक्कत यह है, नॉट पावर ऑन, मतलब कि पावर ऑन नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसे एक बार डीसी की मदद से कनेक्ट करेंगे और ऑन करके देखेंगे। ये मेरी इसकी रॉड है, डीसी सप्लाई की, आप देख सकते हैं। और ये इसका डीसी जैक है, मैं इसमें प्लग करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जलता है जो कि अगर बैटरी चार्जिंग है तो ऑरेंज कलर का नोटिफिकेशन आता है, अगर बैटरी फुल चार्ज है तो वाइट कलर का, अगर बैटरी नहीं लगी है तो भी यहाँ पर वाइट कलर का नोटिफिकेशन आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन अभी इंडिकेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं अभी हम इसको ये समझ सकते हैं, इस बोर्ड में 19 वोल्ट हो सकता है नहीं बन पा रही हो सकता है मेरी 3 और 5 ना बन रही हो, या हो सकता है कि LDO ना बन पा रही हो। तो एक एक स्टेप हम चेक करेंगे किस वजह से ये दिक्कत आ रही है और ट्रेस करेंगे किस वजह से यहाँ पर LED जो है, नोटिफिकेशन जो आता है वो नहीं चल पा रही हो। तो चलिए पहले सबसे पहले इस लैपटॉप को ओपन करेंगे, बोर्ड को बाहर निकालते हैं और फिर चेक करेंगे। मैं एक एक करके सारे स्क्रू ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले आपने बैटरी रिमूव करनी है और लैपटॉप खोलते समय कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, केयरफुली खोलना है लैपटॉप को। लैपटॉप आता है, किसी भी ब्रांड का लैपटॉप आपके पास आता है, सबसे पहले आप उस लैपटॉप के सारे स्क्रू निकाल देंगे, खोल देंगे सारे स्क्रू, और उसके बाद आप कीबोर्ड को निकालेंगे। और किसी किसी लैपटॉप में आजकल के जो लेटेस्ट लैपटॉप हैं HP के, उन्होंने क्या है, पीछे का बेस निकालते ही पूरा लैपटॉप खुल जाता है। चलिए लगभग सारे स्क्रू खुल चुके हैं, हम इसका कीबोर्ड निकाल लेंगे। पहले आपने सारे स्क्रू ध्यान से खोल लेने हैं। ये याद रखें कि कोई भी अगर स्क्रू रह गया और आपने लैपटॉप का बेस या टच पैड खोलने की कोशिश की तो होगा क्या, वो टच पैड हो सकता है डैमेज हो जाए या मे बी हो सकता है बेस डैमेज हो जाए। ये आपने ध्यान से इस तरह से खोलने हैं और लगभग सारे स्क्रू खुल चुके हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको इस पॉइंट पर, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से अगर ओपनर को यूँ करता हूँ तो यह मेरा बेस जो है बाहर बड़ी ही आसानी से आ जाता है। आप देख सकते हैं मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पर स्पीकर को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये केबल को आप हटा दीजिए। यहाँ पर जितने भी स्क्रू हैं सारे रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर इस रैम को निकालना होगा हमें क्योंकि ये शायद इसमें दिक्कत कर रही है। और यहाँ पर ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये बोर्ड मैंने जो है बाहर निकाल लिया है। और इसका पार्ट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट नंबर है DA0U82MB6D0, इसका रिवीजन इसका D है। चलिए एक बार डीसी जैक भी हम निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे क्या हमारी इस बोर्ड में, सबसे पहले चेक करेंगे 19 वोल्ट हमारी बन पा रही है या नहीं।
इस एलईडी की मदद से हम यहाँ पर कुछ हद तक ये समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो है 19 वोल्ट ओके है, और एलडीओ भी कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एलडीओ भी हमारी बन चुकी है बोर्ड में, जो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं चल रहा है, तो हमें पता है कि हो सकता है 19 वोल्ट ना बन रही हो और हो सकता है कि एलडीओ भी ना बन रही हो। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी लोगों को। मैं ये कनेक्ट करता हूँ और यहाँ देखिए मेरी डीसी की तरफ मार्क करेंगे आप, तो कोई हाई एम्पेयर इसने कंज्यूम नहीं किया है। एक बार मैंने निकाल दिया है, फिर से देख लेते हैं। आपने देखा कि कोई भी यहाँ पर एम्पेयर जो है कंज्यूम नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि 19 वोल्ट देन उसके बाद हमारी एलडीओ बनी है नहीं बनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसका पार्ट नंबर DA0U82MB60 आ चुका है इसमें, और इसका हम स्कीमेटिक एक बार डाउनलोड करते हैं। किसी भी साइट से ले सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 वोल्ट सर्च करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ छोटी सी कॉइल्स लगी हैं जो कि आपको नज़र आएंगी, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर लिखा है PL5 और 6, आप देख सकते हैं PL5 6 आपको नज़र आ रहा होगा। अब चूंकि ये डीसी जैक के पास है तो हो सकता है शायद ये कॉइल हो, तो हम इसको सर्च करेंगे PL5। देखिए आप यहां देख सकते हैं, मैंने सर्च किया PL5 और 6, ये कॉइल है 19 वोल्ट की, देन उसके बाद एक मॉस्फेट है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये मेरा एक PQ27 एक मॉस्फेट है, और उसके बाद में यहां पर मैं देखना चाहूंगा जो मेरा CLR है वो कहां है, PR47 हमारा CLR है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं स्कीमेटिक में हमारा PQ27 जो कि ये यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो PQ7 ही इसके ड्रेन पे सोर्स पे हम चेक कर लेंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि CLR पे जाने के बाद अगर CLR नहीं मिलता है या CLR ढूंढने में टाइम लगता है, तो जितने भी ये PWM है उनके ऊपर जितने भी कैपेसिटर हैं उन पे आप चेक कर सकते हैं कि 19 वोल्ट हमें बनी है या नहीं। तो चलिए मैं भी यही करता हूँ। यहाँ पे मैंने DC इंजेक्ट कर दिया है, मल्टीमीटर को मैंने DC पे रख दिया है, और सबसे पहले मैं चेक कराना चाहूँगा आप सभी को, मेरे मल्टीमीटर की तरफ आप मार्क करते रहिए, और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये एक PQ7 है, आप देखिए यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है, मैंने प्रॉड नेगेटिव लगाई हुई है इस वजह से आ रहा है। आप देखिए इस मॉस्फेट के और इसके गेट पर भी 25 वोल्ट है, ठीक है ये। और जैसा कि मैंने कहा था कि CLR पॉइंट्स हमें अगर नहीं मिल पाता है तो आप क्या करिए, इसके जो PWM जितने भी हैं उनके जो कैपेसिटर हैं उन पर आप चेक कर सकते हैं कि 19 वोल्ट बनी है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है इन कैपेसिटरों पे, यहाँ पर भी, इसका मतलब बोर्ड में 19 वोल्ट तो ठीक है। अब ये हमारी PWM की 3N5 की कॉइल्स हैं, इस पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं नज़र आ रही है, और यहाँ पर आप देखिए कोई वोल्टेज नज़र नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं फिर से चेक कराऊंगा, 19 वोल्ट आप देख सकते हैं आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है इस बोर्ड में 19 वोल्ट तो ओके है, और हमारी जो 3 और 5 की जो PWM है वो नहीं काम कर रही है। उससे पहले हमें चेक करना होगा क्या मेरी LDO इस बोर्ड में बन पा रही है या नहीं।
चलिए, तो एलडीओ के लिए सभी लोग जानते हैं कि हमें 3 और 5 की जो रेगुलेटर्स होती है उस पर जाना होता है, और उस पर जाके हम उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं एक बार स्मैटिक की हेल्प लूँगा, और इस आप देख सकते हैं यहाँ पर PL17 लिखा हुआ है, इस यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको PL17। तो ये सर्च करते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर PL17 मैंने सर्च करी है। इस बोर्ड में जो 5 की वोल्टेज है वो सस्पेंड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट भी सस्पेंड है। इसका मतलब ये है इस बोर्ड में जो 3 और 5 बनेगी वो ऑन होने के बाद बनेगी। लेकिन हमें सबसे पहले इस बोर्ड में LDO का स्टेटस चेक करना है, क्या हमारी LDO इस बोर्ड में बन पा रही है या नहीं। 16 नंबर है यहाँ पे, 19 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमें ये 19 वोल्ट मिल पा रही है। मैं एक बार फिर से DC को कनेक्ट करूँगा, और आप मेरी मल्टीमीटर की तरफ मार्क करते रहिएगा। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमें LDO के लिए सबसे पहले आप मेरे स्कीमेटिक पे देख रहे होंगे, यहाँ पर इस IC का नंबर है RT8223P, और इस IC की जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले LDO के लिए हमें यहाँ पर 16 नंबर पिन पे 19 वोल्ट चाहिए, और उसके बाद हमें यहाँ पे इस 3 नंबर पिन पे 2 वोल्ट चाहिए, और उसके बाद ये एक EN0 जो कि 30 नंबर है ये इनेबल है LDO का। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमें 19 वोल्ट मिल पा रही है या नहीं। तो मेरी मल्टीमीटर की तरफ गौर से चेक करिएगा, और मैं एक बार काउंट कर देता हूँ। ये काफ़ी रिपेयर किया हुआ है किसी ने पहले ही, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसमें 6 का पेयर है, मतलब कि एक लाइन में 6 पिन्स हैं, तो 6 और 6 12, और यहाँ पे 16 नंबर पे आप गौर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक 10 ओम का एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर नज़र आ रहा है। तो हम इसी रजिस्टर पे चेक कर लेंगे क्या हमें वोल्टेज मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मल्टीमीटर पे मार्क करिए, वोल्टेज आपको नज़र आ रही है। एक बार मैं दोबारा से दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की तरफ देखिए गौर से, और मेरी पिन पर भी मार्क करिए। अब हम 16 नंबर पिन पे चेक करेंगे। ये तो मैंने रजिस्टर पे चेक करी, क्या मुझे 16 नंबर पिन पे मिल पा रही है। आप मार्क करिए 16 नंबर पिन पे, देखिए गौर से, मैंने मार्क रखा हुआ है प्रोड को, और मेरे मल्टीमीटर पे मार्क करिए। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वेरिएशन हो रहा है, इट मीन्स 5 वोल्ट के करीब आ रही है, मतलब कि 16 नंबर पिन पे मुझे इनपुट नहीं मिल पा रहा है। अब 16 नंबर पे अगर सिमेटिक में गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक 10 ओम का रजिस्टर लगा है, हो सकता है ये फॉल्टी हो गया हो। तो यहाँ पर एक बार मैं ट्यूजर से बाईपास कराऊंगा, और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा कुछ स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक रजिस्टर है, केयरफुली करें, और मैं इसको ट्यूजर से बाईपास कराऊंगा एक बार यहाँ पर। आप देख सकते हैं मैंने बाईपास कराया है, और मेरी DC की तरफ मार्क करिए, DC की तरफ, और मेरा ट्यूजर पे देखिए, ट्यूजर मैंने कहाँ मार्क की बाईपास कराइए, दोबारा से कराता हूँ, ये देखिए मेरी DC की तरफ मार्क करिए। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जो हम कह रहे थे कि LED का नोटिफिकेशन हमें नहीं नज़र आ रहा था,
अब आप देख सकते हैं, और जैसे ही मैं ट्यूजर हटाऊंगा तो आप देखिए, ट्यूजर मैं हटाता हूं, मैंने ट्यूजर हटा दी, फिर से ट्यूजर को लगाऊंगा और यहां पर गौर से देखिएगा कि यहां पे जो लाइट की जो मार्किंग है वो देखिए, मैंने ट्यूजर जैसे ही कर रहा हूं, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये है इस बोर्ड में हमारी 19 वोल्ट लाइन में एक ये 10 ओम का रजिस्टर फॉल्टी हो गया है, जिसके कारण से ये एलईडी नोटिफिकेशन जो है हमारा नहीं ग्लो कर पा रहा है। चलिए इस रजिस्टर को हम रिप्लेस करते हैं और फिर देखेंगे क्या हमारा बोर्ड जो वैलिड कंडीशन है वो वैलिड कंडीशन में आया है या नहीं। तो मैं दूसरा कोई बोर्ड ले लेता हूं जिसमें 10 ओम का हो। आप इस 10 ओम की जगह पे एक 0 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, बाईपास करा सकते हैं, पर मैं देखता हूं 0 ओम का अगर मिलता है तो 0 ओम का लगाऊंगा, नहीं तो मैं 10 ओम का रजिस्टर यहां पे पुट करूंगा। आप गौर से देख सकते हैं ये मेरे पास सैमसंग का एक बोर्ड है और यहां पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं 100 ओम के। आप मेरे मैग्नीफाई में चेक कर सकते हैं, ये देखिए नजर आ रहे होंगे आपको, यहां पर 100 ओम के रजिस्टर लगे, ये वाले। मैं इनमें से एक रजिस्टर यहां से उतार कर यहां पर लगाऊंगा और फिर चेक करेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम जो आ रही थी प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई है या नहीं। ये वो रजिस्टर है जो फॉल्टी हो चुका है, मैं इसको यहां रख देता हूं और एक मैं यहां से, आप यहां पर रजिस्टर की बजाय कोई जम्पर भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये ओम्स की वैल्यू है, पर कोशिश करें कि रजिस्टर अगर सेम मिल जाए तो ज्यादा वेल एंड गुड है। मैंने ये रजिस्टर लगा दिया है, थोड़ा सा इसको वॉश करूंगा और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा लैपटॉप जो है वैलिड कंडीशन पर आया है या नहीं। थोड़ा सा आयरन से मैं स्मूथ करूंगा क्योंकि शायद मुझे लगता है कि सही से लगा नहीं है यहाँ पर। आयरन की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ ठीक है, अब बेटर हो गया है। आप ये देखिए मैंने मार्क, मेरी तरफ मार्क करिए इस तरफ, देखिए मैंने ये रिप्लेस कर दिया है। ये वो रजिस्टर था जो फॉल्टी था जो कि मैंने रिप्लेस कर दिया। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या हमारी अब वैलिड कंडीशन हुई, और जो हम जैसा कि चेक कर रहे थे कि हमारा जो एलईडी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था वो अब प्रॉपर आ रहा है या नहीं। देखिए मैंने एलईडी का यहां पर दोबारा लगाता हूं, एलईडी नोटिफिकेशन आ रहा है, और एक बार हम बोर्ड को भी ऑन करके देखेंगे अभी क्या हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरी डीसी की तरफ मार्क करिए, बोर्ड ऑन हो गया, फैन जो है मूविंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है इस बोर्ड में केवल एक 10 ओम का रजिस्टर फॉल्टी था जिसकी वजह से हमारी एलईडी नोटिफिकेशन नहीं चल पा रही थी और ना ही इस एलईडी नोटिफिकेशन की वजह से एलडीओ बन पा रहा था। तो चलिए एक बार हम इसको पूरा पैक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी सारी चीजें ठीक से काम कर रही है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर हल्का सा मैं टेप लगा देता हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पे शायद में भी कोई यहाँ पर टेपिंग रही होगी, इस वजह से टेप लगाई गई होगी, और अब इसको हम पैक करेंगे। तो पैक करते समय आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, बड़े केयरफुली से पैक करें क्योंकि लैपटॉप जब रिपेयर हो जाता है और उसके बाद पैकिंग के दौरान कुछ दिक्कत हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए
कोई जल्दीबाजी ना करे पैकिंग करते समय। यहाँ पर इस आप अगर चाहते हैं कि मैं भी रिपेयर कर सकूं लैपटॉप्स को, मेरी तरह आप लैपटॉप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर इस तरह से लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं। और आपने देखा बहुत ही जल्दी मैंने इस लैपटॉप को रिपेयर कर दिया और ज़्यादा समय नहीं लगा इस लैपटॉप में। और अब इसको हम पैक करने जा रहे हैं, पैक करने के बाद देखेंगे हमारे लैपटॉप का स्टेटस क्या है। कहीं ना कहीं ये LED जो लाइट है हमें इंडिकेट करती है, हमें ये बताती है, अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि इस लाइट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी LDO की पोजीशन क्या है या मेरी 19V 3/5 की पोजीशन क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे CC मेरा हाई हो चुका है DC पे। अब मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर दी है, एक बार मैं RAM लगा के पहले डिस्प्ले चेक करना चाहूँगा क्या हमारी डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है या नहीं। ये यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लगा दी है और फोन को एक बार ऑन करूँगा मैं। बोर्ड जो है ऑन हो गया है और यहाँ पर डिस्प्ले अभी आ चुका है। आपने देखा डिस्प्ले भी आ चुका है, इसका मतलब बोर्ड हमारा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। चलिए आगे हम पैक करते हैं पूरा और उसके बाद देखेंगे हम। पैक करते समय लैपटॉप को आप बीच बीच में चला चला के चेक करते रहिए ताकि आपको ये याद रहे कि और जो भी चीज़ें हैं वो हमारी वर्क कर रही हैं। कई बार क्या होता है हम पूरा लैपटॉप पैक कर देते हैं और बाद में हमें चेक करते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी वर्क नहीं कर रही होती हैं, जिसके चलते हमें दोबारा से लैपटॉप को ओपन करना पड़ता है और इसके चलते हमें मेहनत डबल पड़ जाती है। तो बीच बीच में अगर आप चेक कर लेंगे तो शायद आपकी मेहनत जो है बच जाएगी। अब मैं एक बार विंडोज ओपन करके देख लेता हूं और उसके बाद लैपटॉप को पैक कर देगा। लैपटॉप ऑन हो गया है। हार्ड ड्राइव नॉट फाउंड आई है यहाँ पर मैसेज। शायद कीबोर्ड काम नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं विंडोज इसकी चल चुकी है। अब मुझे लगता है कि लैपटॉप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरा केस स्टडी किस तरह का आपको लगा। आपको अगर केस पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।